देखिए मजा आ जाएगा, बहुत जबरदस्त। पहला निहारी लिया दिल खुश हो गया, प्रॉपर ज़बरदस्त किस्म का जायका है निहारी का यार, बहुत बार खाइए, दिल ही बढ़ता है निहारी से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो हम आपको रशीद कोरमे का रिव्यू दे चुके हैं और आपने बड़ा पसंद किया था, तो आज हम रशीद कोरमे के बिल्कुल सामने हैं मुमताज़ निहारी। जब हम यहाँ पर आए तो हमें लोगों ने कहा कि यार आपने रशीद कोरमा तो खाया मगर क्या आपने मुमताज़ निहारी खाई है, और मैंने आज तक वैसे कभी नहीं खाई थी रशीद कोरमा, तो मैंने पहले भी बहुत बार खाया था। तो आज हम मुमताज़ निहारी खाने आए नाज़राबाद 2 नंबर की, बड़ी मशहूर है। हम यहाँ पर खाएंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे। थोड़ा सा देर से आएँ, तकरीबन 4:30 बज रहे हैं और रश बिल्कुल नहीं है, तो हमने सोचा कि बेहतरीन वक्त होता है क्योंकि तमाम जो होटल इंतजामिया है वो भी आपसे बात कर लेती है और वीडियो बनाने की इजाज़त भी आराम से देती है। तो आप अंदर चलते हैं, कुछ देखते हैं कितने लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और फिर खाते हैं और फिर खाकर आपको रिव्यू देंगे। हमारे साथ रहिएगा। सिंगल निहारी 250 रुपये है, डबल निहारी 500, नली निहारी 480, मगज़ निहारी 480 है, फिर इसी तरह डबल निहारी आ जाए बाकी चीज़ें। देखिए ये है इनका काउंटर, यहाँ से कलेक्शन होती है। अच्छा भाई, हम बहुत लेट आए क्योंकि इस वक्त हो रहे हैं 4, तो आपको चंद ही लोग मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं? कैसी लगी आपको ये निहारी? बहुत ज़बरदस्त निहारी है, मज़ेदार निहारी है। हाँ, हम हर साल आते हैं यहाँ पे। अच्छा, कवरेज करने के लिए इसके बाद यहाँ आते हैं निहारी। दोस्तों के साथ आते हैं पर खाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको कैसी लगी भाई? जबरदस्त भाई। देखिए पूरी फैमिली आएगी, देखिए भाई साहब बच्चे वगैरह। बेटा आपको कैसी लगी ये निहारी? खाई से पहले कभी आपने ये निहारी? आते रहे तो बताएगा, आपने एक्सपीरियंस बताया कि और भी खाई होगी, क्या फर्क है? बेहतरीन निहारी है, पहली बार हमने खाई है मगर ये मज़ा आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त। ये वैसे मैंने कहा कि आप चले स्पेशल खिलाते हैं तो जबरदस्त भाई। ये भाई ये तो भैया कैसी लगी आपको निहारी, पहले खाई है या पहली बार खा रहे हैं? बहुत बार खाई है, दिल ही बढ़ता है निहारी से। दूसरी जगह भी ये था मशहूर निहारी, जाहिद है, साफ दी है, उसकी टक्कर की है या ये से बेहतर है? बराबर है, मतलब टक्कर की है, मतलब ये ज़बरदस्त। आपने पहली बार खाई है आप भी? खाते रहते हैं और एक के बाद खाता मुझे दूसरी मंगवा ली है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच भाई। तो कैसी लगी ये? अच्छी है, ज़बरदस्त है। यही रहते हो कहीं खाने आए हो कहीं दूर से? अच्छा भाई, हमारी निहारी आ गई है, देखें भाई, गर्मा गर्म रोटी और निहारी, गर्मा गर्म रोटी और निहारी। ओ भाई, लोगों ने बहुत तारीफ कर दी, और देखें भाई ये तीरे के साथ, ये देखें भाई, वाह भाई वाह, नज़र ही अलग आ रही। अच्छा, इसका ना जो कलर है, अमूमन निहारी का ज़्यादा लाल होता है, ये ज़्यादा लाल नहीं है, थोड़ी सी वाइट है, ये बादामी कलर जैसे कहते हैं ना, वैसी ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही है वाकई, प्रॉपर जो निहारी ये कराची वाली साइड की ये। वाकई यार, पहला निवाला लिया दिल खुश हो गया है, प्रॉपर ज़बरदस्त किस्म का जायका है निहारी का यार, जो इस तरह होता है ना, बहुत मेहनत के साथ 8-10 घंटे तक पकी हुई हो और जो उसका टेक्सचर बन गया हो, अरोमा है उसके अंदर, और रिचनेस है, जायका इतना, फ्लेवर इतना अच्छा है कि मुंह में जाकर जो आपको महसूस होता है कि वाकई आप निहारी खा रहे हो, निहारी के नाम पर कुछ ऐसी चीज़ नहीं खा रहे। क्योंकि कराची के अंदर चंद ही मकाम है जहाँ पर वाकई अच्छी निहारी मिलती है, उनमें से एक है वाकई। बहुत लोग तारीफ करते थे, मैं कभी आया नहीं था कि पहली बार खा रहा हूँ, लेकिन बड़ा मज़ा आया भाई। ये देखें बोटी, ये बोटी, अरे निहारी में थोड़े से पाए हो, निहारी हो थोड़े से आप खराब तो होते हैं, लेकिन मज़ा भी यही है कि जैसे तमीज़ से निहारी है पाए खाए ना, उसमें तो बदतमीज़ी की। और ये निहारी है जी तकरीबन 250 रुपये की ये। अच्छा बाकी देखिए, इसमें अदरक हरी मिर्च डालने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप गार्निशिंग कर रहे हैं ना, इसका मतलब है उस चीज़ में इतनी जान नहीं है, मगर इस निहारी के अंदर इतनी जान है कि आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ये ऐसे लें, ऐसे भरें, वाह जी वाह, क्या बात है, दिल खुश हो गया। तो हमारे साथ जो आए हुए उनको भी भूख लग रही है, तो हम इस वीडियो को जल्दी इख्तिताम करते हैं, और इसकी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी गूगल लोकेशन मौजूद होगी, और एड्रेस भी समझा देता हूँ, नाज़ाबाद 2 नंबर, ये बड़ा मशहूर जगह है रशीद कोरमा मुमताज़ निहारी। जब आप पूछेंगे ना किसी से, और यहाँ पर एक मशहूर चाय वाला भी है कैफे अब्बास, तो ये बड़े मशहूर चीज़ें हैं, ये आपसे बताएंगे ना यहाँ पर वो आपको पहुँचा देंगे लोग, और ना गूगल लोकेशन इसकी मौजूद होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।